शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं अब आप लोग को इसके पहले वाले सेशन में मैं आप लोग को अ आ ई ई चार लेटर में आप लोग को लिखना सिखाई और पढ़ना भी सिखाई। अभी मैं आप लोग को उ री और ए, जैसा कि मैं बोर्ड पे भी लिखती हूँ आप लोग देख सकते हैं, उ री ए चार लेटर मैं अब आप लोग को लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगी। तो पहले मैं आप लोग को ए उ या छोटा उ भी हम बोलते हैं उसको, उ उ उ उ इसको हम क्या बोलते हैं, उ उ री ए उ उल्लू उ री ऋषि ए एडी। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उ से क्या होता है उल्लू, क्या होता है उल्लू, और इसे ऋषि उ ऊन ए एड़ी। तो पहले मैं आप लोग को आपकी बुक से एक बार समझा दूंगी, फिर आप लोग बोर्ड पे मैं आप लोग को लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगी। देखिए, उ उल्लू, उ ऊन, उ उल्लू उ ऊन, री ऋषि, री ऋषि, री ऋषि, उ उल्लू उ ऊन री ऋषि ए एड़ी, ए एड़ी। अब हम इस वीडियो में उ ऊ री ए चार लेटर हम सीखेंगे, क्या करेंगे चार लेटर सीखेंगे, उ ऊ री ए। इसके पहले अ आ ई ई चार लेटर हम सीख चुके हैं, अ से अनार, आ से आम, ई इमली, ई ईख, अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख। अब सीखेंगे उ उल्लू उ ऊन री ऋषि ए एड़ी। ध्यान से देखिए, ए एड़ी, ए एड़ी, ए एड़ी, उ उल्लू उ ऊन री ऋषि ए एड़ी। यहाँ पे आपके बुक में बॉक्स भी बनाया गया है और उसमें डॉट के द्वारा आप लोग को लिखना सिखाया गया है, कैसे हम लिखते हैं वो मैं बोर्ड पे भी लिखी हूँ। तो हम आज सीखेंगे उ उ और री, उ और री लिखे, और ए भी लिखना हम सीखेंगे। तो अभी मैं शुरू करती हूँ उ लिखना। देखिए, हमको तीन लाइन में लिखना है, वन टू, वन टू थ्री, तीन लाइन को टच करते हुए उ लिखना है। देखिए, ऐसा बनाया हमने, फिर ऐसा, जैसे हमने अ के लिए बनाया हुआ है, जैसे अ के लिए बनाया हुआ ऐसा हम ऐसा बनाएंगे और हो जाएगा आपका उ, क्या हो जाएगा उ। फिर एक बार देखिए, सेम हम अ के जैसा बनाएंगे, लेकिन अ में क्या होता है ऐसा होता है और एक लाइन भी ऐसा होता है और एक स्टैंडिंग लाइन भी होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन रहेगा। जैसा मैंने अ लिखना सिखाया वैसे उ छोटा उ। फिर हम एक बड़ा लिखना सीखेंगे। देखिए, मेरे फिंगर को देखिए आप लोग, यस, ये हो गया आप लोग का उ, क्या हो गया उ। फिर देखिए, ये हो गया आपका उ, उ से क्या होता है उल्लू, यहाँ मैंने लिखा हुआ है उल्लू, उ उल्लू। तो आप ऐसे लिखते जाइए, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स मैं आपको लिखना बता दें। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। अब ये देखिए, उ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उ से ऊन होता है, उ से ऊन होता है। तो यहाँ मैं लिखना सिखाऊंगी आप लोग को। देखिए, सेम छोटा उ जैसा हम लिखेंगे, देखिए कुछ भी करना नहीं है, और इसमें हम एक ऐसा नीचे से लाइन खींच देंगे। समझ में आया, छोटा उ बनाएंगे,
फिर एक ऐसा हम ऐसा लाइन खींच देंगे नीचे, तो आप लोग का हो जाएगा ऊ। फिर एक बार देखिए आप लोग, इसमें हम ऐसा करेंगे, फिर ये बनाएंगे हम छोटा ऊ बनाना। अगर सीख जाएंगे तो बड़ा ऊ आराम से आ जाएगा, ऊ लिखना सीख जाएंगे तो ऊ लिखना आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ मैं बड़ा आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा लाइन खींचा मैंने, फिर ऐसा खींचा, फिर यहाँ पे हुआ और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। एक हम नीचे से बीच सेंटर से ले लेंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ से हम ले लेंगे और हम यहाँ सेंटर से लेंगे, आप लोग का हो गया ऊ। तो यहाँ से हम सेंटर से ले लिए। अब देखिए एक बार और मैं आप लोग को लिखना बताऊंगी, ऐसे खींचे फिर ऐसे किए, अब इसके बाद ऐसे कर देते हैं। तो बच्चों आप लोग ऊ लिखना सीख गए होंगे। एक बार बुक में भी देखिए, यहाँ पे ऊन दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है और मैं वैसा ही आप लोग को लिखने का प्रैक्टिस कराऊंगी। अब देखिए यहाँ पे री, यहाँ पे री क्या होता है, री ऋषि। अब देखिए हम री के लिए एक ऐसा सीधा लाइन खींचेंगे, फिर हम इसको लेते हुए एक ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा कर देंगे, या ऐसा नहीं भी करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऋषि। देखिए एक बार, हो गया आप लोग का ऋषि, री ऋषि। अब आएंगे हम ए, ए एड़ी, एड़ी लिखना सीखेंगे हम। पहले हम एक ऐसा लाइन लेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर एक ऐसा खींच के ऐसा कर देंगे, तो क्या होगा आपका ए, ए से एड़ी। क्या होगा ए से एड़ी। एक बार और देखिए, मेरे मार्कर को देखिए ध्यान से, ऐसा मैंने एक लाइन यहाँ पे लिया, फिर मैं ऐसा की, फिर एक यहाँ से स्टैंडिंग लाइन और ऐसा, तो ये हो गया आप लोग का ए एड़ी, ए एड़ी। क्या हुआ ए एड़ी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा लिख के बताती हूँ नीचे, ठीक है, हम ऐसा एक ऐसा लाइन खींचेंगे, फिर एक नीचे हम ऐसा कर देंगे और एक स्टैंडिंग लाइन के साथ ऐसा कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आप लोग का ए एड़ी। एक बार और देखिए, ए एड़ी। क्या हुआ ए एड़ी। एक बार और देखिए, ऐसा मैंने एक लाइन लिया, फिर ऐसा करके ऐसा करना, हो गया आपका ए। एक बार और देखिए, ए एड़ी। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को ऊ री और ए चार लेटर में आप लोगों को लिखना सिखाई हूँ और साथ में पढ़ना भी। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ऊ उल्लू उल्लू, यहाँ पे मैं लिखी हूँ छोटा ऊ आधा ल, ल में बड़ा ऊ की मात्रा उल्लू, ऊ उल्लू, ऊ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी। यहाँ पे री श में छोटे की मात्रा ऋषि, ऋषि, ए
ड में बड़ी की मात्रा एडी। एक बार और देख लीजिए, छोटा उ या फिर हम इसको उ बोलेंगे, उ उ री ए, उ उ री ए। इसके पहले वाले वीडियो में अ आ ई ई चार लेटर मैं आपको सिखाई, अब इसमें उ उ री ए चार लेटर। अभी एक बार मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ा देती हूँ। उ उल्लू, उ उल्लू, उ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी। बच्चों आप लोग मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे, और फिर एक बार अब आप लोग अपनी बुक से देखिए। आप लोग को मैं एक बार बुक से भी पढ़ा देती हूँ, फिर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अ अनार, अ आम, अ अनार, अ आम, इ इमली, इ ईख, उ उल्लू, उ उ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी। यहाँ तक हम लोग बोर्ड पे लिख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, एक बार आप लोग और देखिए। अ आ इ ई उ ऊ री ए, समझ में आया आप लोग को? अ अनार, आ आम, इ इमली, इ ई ईख, उ उल्लू, उ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी। अ अनार, आ आम, इ इमली, ई ईख, उ उल्लू, उ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी। यहाँ तक मैं आप लोग को बोर्ड पे पढ़ा दी, अब एक बार हम बोर्ड देख लेंगे, एक बार और से हम रिपीट करेंगे। वर्णमाला में पहला स्वर हम सीख रहे हैं अभी। हम क्या सीख रहे हैं अभी? स्वर सीख रहे हैं। स्वर वर्णमाला में दो पार्ट होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो पार्ट होते हैं। तो मैं अब आप लोग को एक बार और ये बोर्ड दिखाकर पढ़ा देती हूँ। देखिए, उ उल्लू, यहाँ पे मैं लिखी उल्लू, छोटा उ आधा ल, लमे बड़ाओ की मात्रा, लू उल्लू, ऊ ऊ ऊन, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी। तो मैं आप लोग को छोटा उ बड़ा उ री और ए लिखना मैं अच्छे से समझा दी। री को एक बार और देख लीजिए आप लोग। री के लिए हमें कैसा खड़ी पाई खींचेंगे, फिर हम ऐसा दो लाइन लगाएंगे इसमें, और फिर हम एक लाइन से पहले ऐसा करेंगे, फिर हम उसको ऐसा करके ऐसा कर देंगे। तो ये हुआ आप लोग का ऋषि। क्या हुआ? ऋषि। फिर से देखिए, मैं बना रही हूँ, मेरे पेन देखिए, ऐसा करी री ऋषि। फिर से देखिए, री ऋषि। री ऋषि री। अब मेरे पेन को देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ, आप लोग फिर वैसे ही। एक मैं ऐसा खड़ी लाइन खींच दी हूँ, फिर मैं ऐसा दो लाइन ऐसा बना दी हूँ, फिर हम इसको ऊपर ऐसे ले जाएंगे और ऐसे कर देंगे। यानी यहाँ इस लाइन को लेके मैं क्या लिखी हूँ, थ्री। थ्री जैसा है, आप लोग को थ्री जैसा दिखेगा लेकिन उल्टा है। थ्री हम ऐसा बनाते हैं लेकिन इसमें ऐसा है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये थ्री जैसा हो जाएगा। फिर
ये आप लोग का री हो जाएगा। एक बार और देखिए, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए, मैं धीरे धीरे लिख रही हूँ, ऐसा करके ऐसा कर देते हैं तो ऋषि हो जाता है, री ऋषि हो जाता है। फिर से एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। कैसे आएगा? अच्छे से आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पे लाइंस खींच के भी आप लोग को लिखवाई, यहाँ पे देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लाइन खींच के बता देती हूँ री, क्योंकि ये आप लोग के लिए टफ रहेगा। तो मैं एक बार लाइन खींच के आप लोग को भी पढ़ा देती हूँ। और देखिए, पहले मैं ऐसा एक लाइन ली हूँ, फिर हम ऐसा सेम प्रोसेस, फिर ऐसा ऐसा, ये आप लोग का हो जाएगा री ऋषि। एक बार और बना देती हूँ, देखिए लाइन के द्वारा देखिए आप लोग कैसे मैं बनाई हूँ। अब देखिए आप लोग, ये लाइन को हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे, ये मेरा लाइन बड़ा है इसलिए ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आप लोग को, लेकिन ये आप लोग के बुक्स में लाइन छोटे छोटे रहते हैं, तो मैं बड़ा इसलिए बताया कि आप लोग को ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं री ऋषि और उल्लू, ऊन, री ऋषि ए एड़ी, ऊ री ए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये ऊ लिखते कैसे हैं, ऊ री ए लिखते कैसे हैं। मेरे जब आप लोग मेरे वीडियो देखेगा तो मेरे फिंगर को और मेरे स्मार्कर को ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे लाइंस बना रही हूँ। तो आप लोग उस लाइंस को, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे तीन लाइन में बना हुआ है, लेकिन आप लोग को हिंदी हिंदी बुक में भी तीन ही लाइन खींच के दिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल के लिए। तो आप लोग अच्छे से अपने हिंदी बुक में प्रैक्टिस करिएगा, जैसा मैं आप लोग को लिखना सिखाई। देखिए ऊ री ए, आज मैं आप लोग को चार लेटर लिखना सिखाए, और इसके पहले वाले में आ टू क्या था, अ आ ई ई, चार लेटर उसमें भी थे, वो भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और ये भी आप लोग अच्छे से अपने बुक में लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। और एक बार अपने बुक से देखिए, फिर से मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ा देती हूँ। अ अनार, आ आम, ई इमली, ई इंक, उ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, छह लेटर हम पढ़े बोर्ड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हमने पढ़ा। तो मैं एक बार देखिए, अनार, आ आम, ई इमली, ई इंक, उ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी। बच्चों आज आप लोग वर्णमाला सीख लिए, फिर मैं आप लोग से यही एक बात बोलूँगी कि आप लोग अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से मेरा वीडियो देख के प्रैक्टिस करिएगा।